दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर चुके हैं या अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉक लगा चुके हैं और उसके बाद आपको अनलॉक नहीं करने आता है तो आप कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो सिंपली इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है, सिंपली यहीं जाना, आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट में जाने के बाद सिंपली ऊपर में आपको 3 लाइन मिल रहा है, सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेटिंग दिख रहा है, यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्राइवेसी दिख रहा है, सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट अकाउंट है जो इनेबल है, तो अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो मेरा प्राइवेट अकाउंट जो है लॉक लगा हुआ, बस वो अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए सिंपली हम ये कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक पॉपअप आ गया और कुछ जानकारियाँ दे रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में थोड़ा। वन विल बी एबल टू सी योर फोटोज एंड वीडियो, आपके फोटोज और वीडियो अब कोई भी देख सकता है पब्लिक होने के बाद। और दूसरा बात है कि दिस वॉन्ट चेंज हु कैन टैग मैंसन या मैसेज यू, मैसेज और मैंसन आपको कोई भी कर सकता था पहले भी और अभी भी। और इसके बाद लिख रहा है ऑल पेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड अनलेस यू डिलीट देम, मतलब ऑल फॉलोअर होंगे जो रिक्वेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिक आपको अप्रूव हो जाएंगे, तो उनको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, नीचे जो स्विच टू प्रूफ पब्लिक दिया हुआ है सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर देना। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन बटन था वो ऑफ हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब लॉक लगा हुआ रहता है प्रोफाइल में तो यहाँ पर लॉक का साइन रहता है, लेकिन अभी नहीं लॉक लगा हुआ तो यहाँ पर से लॉक का साइन भी ख़त्म हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा और आप खुद से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।